हेलो गाइस, फ्रीडम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं जो आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ, ना कोई टॉपिक डिस्कस होगा, ना कुछ डिस्कस होगा, सिर्फ एनालिसिस डिस्कस होगा। एनालिसिस में भी मैं आपसे बस ये कहूँगा, मैं ये नहीं शेयर करूँगा ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, रिपीट होंगे क्या, टाइप रिपीट होता है, इस टाइप के आएंगे, ये पढ़ लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं वही आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपके सामने डिटेल, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में मैं आपके सामने बिल्कुल रिव्यू लेके नहीं आ पाया, लेकिन आज जो रिव्यू लेके आया हूँ आपके सामने, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, मुझे उम्मीद है उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। अब जिनका एग्ज़ाम बचा है उन्हें क्या करना है, कैसे वो सिर्फ एक हफ्ते में अच्छे से तैयारी कर लें, क्या स्ट्रेटजी है। सर नहीं हो पाई पेपर की तैयारी, कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अब मैं और कैसे पैटर्न को पढ़ूं या किसको ज़्यादा फोकस करूं। तो देखो, सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी पे फोकस्ड मैंने ना 30 से ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं, अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, जिनमें से मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट 20+ वीडियो हैं, 25 के अराउंड है, और पूरे क्वेश्चन 100% सिर्फ उसी से आते हैं। मतलब जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा वही फॉलो हो रहा है एज दैट टेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा रहा। मैथ्स रीजनिंग 55 नंबर कवर कर रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने लेक्चर के जो अभी जो वीडियो बन रहा है इसके नीचे आपको लिंक्स दे चुकी है, सारे वीडियो देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा खुद तुरंत, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आप लोगों का पेपर निकलना बहुत ज़रूरी है, आप कर रहे हो इस पेपर की तैयारी, क्योंकि आपको ये पेपर भाई निकालना है बस, हमने ऐसे तो भरा नहीं है। तो आप लोगों के लिए फोकस होके मैंने जीएस पे भी, मैं पहले जीएस पे फोकस नहीं करता था, अब आप लोगों के लिए मैंने जीएस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना स्टार्ट किया भाई, जनरल साइंस से रिलेटेड या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं जो बच्चों के काम आए, है ना। तो मैं आपको आज टाइप बता दे रहा हूँ, देखो परसेंटेज से रिलेटेड बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टॉपिक को कवर किया गया, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं मेंसुरेशन नहीं आ रहा, है ना, ना एलजेब्रा नहीं आ रहा, एलजेब्रा में भी बहुत इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं 100% जो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, मैथ्स का तो वही पैटर्न है। तो मैं टाइप बोलूँगा तो सिर्फ अच्छा है, आप सारे वीडियोस देख लो, ज़्यादा लंबे वीडियोस तो है नहीं, आप एक बार में देख सकते हो पूरे वीडियोस अगर ढंग से पढ़ने बैठते हो तो, 15-20 मिनट से ज़्यादा के वीडियो होते नहीं हैं। तो आपसे बस यही है, बाकी अगर मैं बात करूँ, आप बोलोगे सर साइंस में क्या पढ़ लूँ, तो देखो कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे साइंस बोला गया लेकिन उसमें हिस्ट्री भी ऐड हो रही है आज, कल अगर देखा जाए 4-5 हिस्ट्री के क्वेश्चन, उससे पहले वाले दिनों में भी हिस्ट्री पॉलिटी इवन कवर हो रही है। तो क्या किया जाए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो जिनके आने की बिल्कुल गारंटी, जैसे कि मैंने जो आपसे इंपॉर्टेंट शेयर किए थे एशियन गेम्स के बारे में पढ़ लो, CEO पे मैंने वीडियो बना चुका है कि इंपॉर्टेंट CEO ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के कंपनीज के CEO, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लो, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, जितनी कोशिश कर रहा हूँ कर सकता हूँ, डेज याद रख लो भाई, और भी अपनी तरह से पूरा एफर्ट दो साइंस को, जितना पढ़ पाओ डिटेल में पढ़ पाओ। साइंस में कौन कौन से भाई, pH वैल्यू पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, ठीक है, फोर्स के नॉर्मल फार्मूला, यूनिट्स पढ़ लो इंपॉर्टेंट यूनिट्स का भी, केमिकल फार्मूलेस पढ़ लो, वो तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 फार्मूलेस, ओके केमिकल फार्मूले अगर वो पढ़ लेते हो तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन कैसे आने, जैसा कि मैंने बिल्कुल बताया था आपको, पैटर्न भी वही आ रहा है, केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया, ठीक है, आपसे बोले कास्टिक सोडा का, अब आपसे बोला गया कि भाई ये बता दो कि उसमें कितने H2O होते हैं, खाने के सोडे में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मैंने और ये बताया भी था इस तरीके से पूछा जाएगा, तो जितनी एफर्ट्स हो सकती है मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्प करने को लगा हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि करंट अफेयर में ये पढ़ लो, करंट अफेयर में ये पढ़ लो, करंट अफेयर आपको अपडेट करना है, इन द सेंस आपको खुद पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में दिक्कत ये हो रही है, मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि एक एक साल पहले का करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, तो अभी अपडेट आप जितना कर सको, आप फोकस क्या करो, 55 मार्क्स का आपका मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट कवर अप है, साइंस कर लो, और करंट अफेयर में जो अभी 2-3 महीने में हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कर लो, एशियन गेम्स के बारे में अपडेट कर लो भाई, कोई मैचेस हुए हैं वो कर लो, रिसेंट में किसकी एक्टिविटी, बुक्स के ऑथर्स के कर लो, करंट में किसी को कुछ अवार्ड मिला उसके बारे में पढ़ लो, ये बताने की जरूरत है क्या। तो एक्चुअली में आप ही हो जो पेपर निकाल सकते हो, बस तैयारी करते रहो और पैटर्न देख लो,
मैंने आज पहली बार, पहले मैंने सोचा था पूरा पैटर्न लेके आऊं या आपको बताऊं, मैंने कहा आप हो, टाइम कम बचा हुआ है, अब आपको ही मेहनत करनी, आपके लिए वीडियोस हैं अवेलेबल, जितनी हेल्प चाहिए उतनी हेल्प करेंगे। बिल्कुल पैटर्न ऐसा आ रहा है कि आपके साइंस के बहुत, फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स एटम्स पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल केमिकल फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन आ रहा है, पीएच वैल्यू पे आ रहा है, विटामिन पे आ रहा है, तो आपको ये पता ही चल गया कि किस टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। यूनिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं स्टैटिक जीके से, भाई सबसे छोटा फूल कौन सा है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इससे आइडिया क्या लगा कि जितना हम अभी पढ़ सकें उतना ट्राई कर लें। आप सब लोगों से उम्मीद है पूरा 100% दे दो, 200% दे दो, लेकिन ये पेपर निकालना है ना। तो चलिए, आपकी हेल्प के लिए जितने वीडियो अपलोड करे थे उन्हीं में से मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, कोई डाउट आएगा बिल्कुल कमेंट करना, नीचे दिया हुआ है। और बाकी रही साइंस की बात, तो साइंस में जितना अपलोड हो सकता है या जीके का जितना अपडेट मैं अभी कर सकता हूँ मैं कंटिन्यू आपके लिए करूँगा, आपके साथ हम हर दम खड़े हुए हैं। और बस आज इतना ही कहना चाहूँगा, जिनका पेपर नहीं हुआ बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर निकलेगा, ये मेरी उम्मीद है आपसे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और बस ये याद रखो कंटिन्यू मेहनत करते रहो, और कुछ नहीं बोलना है। तब तक के लिए नमस्ते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।